Alright, so hi everyone, my name is Aniket and welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about something very crucial and very important which has been asked by a lot of students in my DMs. Wo topic hai ki, how to convince your parents to study abroad or specifically to study in Canada. Kaise apne mummy papa ko convince kare ya fir apne family ko convince kare. What are the key factors based on which we can express our opinions to them and they'll be getting convinced very easily. Ya fir Canada ko unke samne kaise portray kare, unko kaise advantages bataye bahar padhai karne ka as compared to India, taki wo very easily convinced ho jaye and finally they let us fulfill our dreams of studying abroad or to study in Canada. Is video mein wo sara kuch in depth explain karunga main, key factors, टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे कन्विंस करना है, व्हाट द स्ट्रेटजीज, एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस वीडियो, सो डू नॉट स्किप इट, वॉच टिल एंड, एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट स्टेप इज क्लियर योर पेरेंट्स बजट रिलेटेड इश्यूज एंड मेक देम अंडरस्टैंड द फाइनेंसेस. क्या एग्जैक्ट ट्यूशन फीस है, क्या एग्जैक्ट सेमेस्टर फीस है, व्हाट इज द लिविंग कॉस्ट फॉर द डिग्री प्रोग्राम और द डिप्लोमा प्रोग्राम यू आर चूजिंग, यू वॉन्ट टू डू अब्रॉड इन कैनेडा. सारा नंबर्स उन लोगों को बताइए, डोंट प्ले इट इन अ वेग स्पेस. उन लोगों को एग्जैक्ट नंबर अगर आप बता दोगे तो दे विल बी एबल टू फिगर इट आउट एंड नो द फी डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड कैनेडा. क्या डिफरेंस है एंड हाउ दे विल बी एबल टू फिगर दैट आउट बाई टेकिंग अ लोन, स्टूडेंट लोन, पेइंग इट इन कैश, वट एवर द प्रोसीजर इज, दे विल बी एबल टू फिगर इट आउट इफ दे नो द एग्जैक्ट नंबर्स. ठीक है, इफ यू नो योर गोल यू कैन फाइंड आउट द हाउ, राइट? सो दैट्स द थिंग, यू गॉट टू एक्सप्लेन देम द फाइनेंसेस फर्स्ट, एक्सप्लेन देम द नंबर फर्स्ट, व्हाट्स द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ स्टडिंग अब्रॉड एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ कन्विंसिंग देम. सो द सेकंड पॉइंट इज क्लियर योर पेरेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज. सभी पेरेंट्स को ये दो चीज में डाउट रहता है, नंबर वन द बजट पार्ट एंड नंबर टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पार्ट. अगर वो लोग अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं कैनेडा में, दैट इज आउट ऑफ देयर रीच, सो हाउ सेफ देयर किड इज, उनका बच्चा कितना सेफ है, उनको उसको कुछ होगा तो नहीं. तो इस पॉइंट में आपको ये समझाना अपने पेरेंट्स को कि हाउ सेफ अ कंट्री लाइक कैनेडा इज. आपको ये बताना है कि बाई फैक्ट, गूगल में भी है, यू कैन सर्च इट, बाई फैक्ट कैनेडा इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री फॉर गर्ल्स एज वेल. अगर आप रात 3 बजे भी बाहर जाते हो तो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि आपको कुछ होगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. पनिशमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है एंड इवन एज अ स्टूडेंट इफ यू वायलेट एनी लॉ देयर, यू विल बी डिपार्टेड टू योर होम कंट्री विद और विदाउट एनी वार्निंग. आपको इंडिया भेज दिया जाएगा एंड दैट विल बी ह्यूज लॉस. सो आपको ये ट्रस्ट करवाना है अपने पेरेंट्स को दैट एज अ स्टूडेंट विल बी फॉलोइंग ऑल देयर पॉलिसीज, ऑल देयर रूल्स एंड सेफ्टी मेजर्स, एंड आप शांति से अपना लाइफ स्टाइल उधर मेंटेन करोगे ताकि आपको डिपार्ट कर दिया नहीं जाए. बिकॉज इफ यू आर डिपार्टेड बाई गॉड्स ग्रेस देन यू विल बी स्पॉइल्ड. आप उधर के भी नहीं रहोगे, इधर के भी नहीं रहोगे, बिकॉज योर फैमिली लाइफ सेविंग्स आर इन्वेस्टेड बिहाइंड यू टू मेक यू स्टडी अब्रॉड एंड इफ यू आर डिपार्टेड इट्स अ कंप्लीट लॉस. एंड ये भी आपको पेरेंट्स को बताना है कि एवरी ईयर देर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड एंड गेटिंग सक्सेसफुल, पीआर मिल रहा है उन लोगों को, दे आर गेटिंग जॉब एंड दे आर बीइंग सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. वो एक प्रॉस्परस जिंदगी जी रहे हैं, एवरी ईयर स्टूडेंट्स आर गोइंग, सो वाई कांट यू. आपको अपना कैपेबिलिटीज पे भरोसा दिखाना है कि येस एज अ स्टूडेंट यू कैन ग्रो अप इन अ डिफरेंट कंट्री फ्रॉम स्क्रैच. ये आपको पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलवाना है, दैट इज द सेकंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट दैट इज इमोशनल अटैचमेंट. आप देखोगे कि कोई कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं एंड दे आर लाइक, हाँ मैं अपने बेटे को दूसरे स्टेट में तो मैक्स टू मैक्स भेज सकता हूँ बट डेफिनेटली नॉट आउट ऑफ इंडिया और आउट ऑफ कंट्री, कनाडा में तो कभी भी नहीं बिकॉज वो बहुत ज्यादा दूर है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो इधर मतलब ये दिस काइंड ऑफ पेरेंट्स आर वेरी मच ओवर पोजेसिव विद देयर चिल्ड्रन एंड वो लोग हमेशा चाहते हैं कि वो लोग अपने डिसीजन के बेस पे अपने बच्चों को कंट्रोल करें, वो कभी अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं होने देना चाहते हैं. एंड इफ यू आर गोइंग टू कैनेडा यू विल बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, जो वो कभी नहीं चाहते, वो हमेशा अपने डिसीजन के बेस पे आपको कंट्रोल करना चाहते हैं. सो इधर मैं पेरेंट्स को एक बात बोलना चाहूंगा कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पेरेंटिंग कि अपने बच्चों को सही समय पे घर से निकालिए. किक योर चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन व्हेन इट्स अ राइट टाइम, लाइक अ पेरेंट ईगल. ठीक है, आप देखोगे कि जो पेरेंट पक्षी होता है वो अपने बच्चों को सही समय पर लात मार देती है घोंसले से, उसमें से कुछ गिर जाता है, कुछ उड़ जाता है, राइट? एंड स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ करियर. अगर आपके अंदर उतना दम नहीं है कि लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन दैट इज करियर एंड रिलेशनशिप, ये दोनों अगर आप अपने खुद के दम पे नहीं ले सकते या फिर कन्विंस नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स को कि आई विल बी टेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिसीजंस ऑफ माय लाइफ माय सेल्फ, देन आप किसी भी चीज में अपने पेरेंट्स को या फिर किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाओगे. इट विल बी अ फेलियर इफ यू डोंट कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर दीज टू डिसीजंस ऑफ योर लाइफ. एंड फाइनली डोंट इमोशनल ब्लैकमेल योर पेरेंट्स, बिकॉज हम लोग ये गलती करते हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स को ओवर स्ट्रेस, ओवर प्रेशराइज कर देते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं. हम लोग बताते हैं कि अगर आप मेरे एडमिशन इंडिया में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में करवा देते तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, आई विल बी ओनली स्टडिंग इफ यू गेट मी एन एडमिशन इन अ कैनेडियन कॉलेज और यूनिवर्सिटी. ये आपको कभी नहीं करना है. प्ले विथ लॉजिक्स, प्ले विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, दैट्स हाउ यू गोना कन्विंस योर पेरेंट्स. ऑलराइट, इन द फोर्थ पॉइंट विल बी एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन कैनेडा टू योर पेरेंट्स, दैट इज
द फर्स्ट बेनिफिट इज जो कनाडा का डिग्री होता है या फिर डिप्लोमा व्हाटएवर यू आर स्टडिंग देयर उसका जो वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिया. उधर में डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा का वैल्यू भी बहुत ज्यादा होता है. इट्स नॉट लाइक इंडिया के डिप्लोमा का कोई वैल्यू ही नहीं है, जॉब नहीं मिलेगा डिप्लोमा करोगे. कनाडा में वैसा नहीं है. डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा डिग्री पीएचडी जो भी करोगे सबका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिया. एंड विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड बेनिफिट इज दैट कि उधर में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया बिकॉज ऑफ द लो पॉपुलेशन. एंड कनाडा में मेजोरिटी ऑफ द कैनेडियंस आर ओल्ड. ठीक है, तो जो नया इमिग्रेंट्स है वही यंग पॉपुलेशन है कनाडा में, उन लोगों को जॉब मिलता है बिकॉज दे आर केपेबल एंड दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ कैनेडियन यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज. उधर में ही पढ़ाई, उधर में ही जॉब, सो स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एंड द बेनिफिट इज पैकेज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया. यू विल बी अर्निंग इन कैनेडियन डॉलर्स. वन कैनेडियन डॉलर इक्वल टू 60 इंडियन रुपीज. तो आप समझ सकते हैं डिफरेंस. पैकेज बहुत ज्यादा है, जॉब स्कोप ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, डिग्री का वैल्यू बहुत ज्यादा है. ऑल्सो उधर में जो पीआर है, पीआर बहुत जल्दी मिलता है कनाडा में. यू विल बी गेटिंग पीआर इन 4 to 5 years. यू विल बी कैनेडियन पीआर, देन आप सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो. यू विल बी कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर, जिसका और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट, एड ऑन बेनिफिट्स है जो मैं किसी दूसरे वीडियो पे एक्सप्लेन कर दूंगा. इफ यू वांट दैट कमेंट डाउन. फिर और एक मेजर बेनिफिट है कि पार्ट टाइम एज अ स्टूडेंट यू विल बी अर्निंग 1,000 to 1,200 dollars इन पार्ट टाइम, विच इज अराउंड 70-80,000 इंडियन रुपीज. आप इजिली अर्न कर सकते हो, बट इन इंडिया आपको पार्ट टाइम में हार्डली 10-15,000 मिलेगा इफ यू आर डूइंग अलॉन्ग विथ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी. एंड जो इंडिया में 70-80,000 कमाता है उसका रैंक बहुत ज्यादा होता है, बट इन कैनेडा एज अ स्टूडेंट ओनली यू कैन अर्न 70-80,000 पर मंथ, जो आप कलेक्टिवली सेव करके आप 10-20 lakh का जो आपका ट्यूशन फीस है वो भी खुद पे कर सकते हो विदाउट बींग डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स. देन कम्स बेटर एजुकेशन सिस्टम. कनाडा और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है. इंडिया में दे फोकस ऑन द थियोरेटिकल नॉलेज, बट इन कनाडा इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकल. उधर में एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज, उधर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रियली होता है, एवरीथिंग इज एमसीक्यू प्रैक्टिकल बेस्ड, असाइनमेंट ज्यादा होता है, बुकिश नॉलेज कम दिया जाता है. तो इट्स अ एड ऑन बेनिफिट अगर आप कनाडा एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं या फिर यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं. तो दैट्स अ बेनिफिट. इंडिया में थियोरेटिकल होता है, उधर में प्रैक्टिकल होता है, विच यू कैन एक्चुअली अप्लाई आफ्टर योर कॉलेज गेट्स ओवर. लाइफ में उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिया. आई एम नॉट इंसल्टिंग इंडिया, माइंड यू, I love India, but what's truth is truth. Canada में education system 100% better है as compared to India. The next major benefit is free medical facilities for students. जब भी आप एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो उस 4 साल में या फिर 3 साल में जितना देर के लिए आपका कोर्स है उतना पूरा टाइम स्पेंड के लिए आपका जो मेडिकल है वो कम्प्लीटली फ्री होगा बिकॉज इट बी प्रोवाइडेड विद अ हेल्थ कार्ड बाय द कॉलेज. एंड जब भी आपको कोई इश्यू होता है आप वो कार्ड दिखाओगे डॉक्टर को या फिर मेडिकल फैसिलिटी को एंड यू विल बी कवर्ड, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट कार्ड. तो आपको कोई एक्सपेंसेस पर्सनली बियर नहीं करना होता है टिल यू आर स्टूडेंट. एंड आफ्टर योर कॉलेज गेट्स ओवर यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड एंड फिर आपको सारा कवर्ड मिल जाएगा इंश्योरेंस में. अनदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन इज दैट अगर आप कनाडा से डिग्री करने के बाद इंडिया लौट भी आते हो, आपको पीआर नहीं चाहिए, यू जस्ट वांट टू स्टडी देयर इन कनाडा एंड रिटर्न टू इंडिया, तब भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज एज आई सेड कनाडा में जो डिग्री का वैल्यू है वो इंडिया से बहुत हाई है, इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई है. तो आप इंडिया में अगर जॉब करते हो कोई एमएनसी में डायरेक्टली आपको सुपीरियर सीनियर लेवल पोस्ट में नौकरी मिलेगी, योर सैलरी विल बी अ लॉट मोर बिकॉज यू आर अ कैनेडियन डिग्री होल्डर. इंडिया में आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है एंड विद एक्सपीरियंस यू गो टू सीनियर लेवल्स, बट कनाडा में डिग्री करने के बाद आपको डायरेक्टली सीनियर लेवल में जॉब मिलेगा विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट दैट यू शुड नो. सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स यू एंड इट एक्चुअली लेट्स यू कन्विंस योर पेरेंट्स वेरी इजिली. अगर आप सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, पहले बजट क्लियर करिए, सेफ्टी क्लियर करिए, फिर सारा स्टेप बाय स्टेप क्लियर करिए एंड एट द एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन कनाडा, आई एम क्वाइट श्योर दे विल बी कन्विंस्ड. एंड इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल do not forget to subscribe and press that bell icon to get notified whenever I post a new video. Till then, stay home, stay safe, see ya, bye.